गुजरात से सामने आई एक तस्वीर कोई नहीं भूल पाया। एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें ऊपर से कूदकर जान बचाने की कोशिश में जिंदगी हार गई। ऐसे ही कुछ गाजियाबाद में आज हो जाता। मामला कौशाम्बी इलाके का है, जहां पर एक प्ले स्कूल में सुबह के समय अचानक आग लग गई। आग काफी ज्यादा थी और प्ले स्कूल में धुआं भर गया। इसी प्ले स्कूल वाली बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर भी 6 लोग रहते हैं, जो आग से काफी ज्यादा भयभीत हो गए और बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता बंद होने की वजह से कूदने की कोशिश करने लगे। लेकिन मौके पर कुछ ही पलों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और फायर कर्मियों ने इन सब लोगों की जान बचाई। सर, आज सुबह एक प्ले स्कूल में कौशाम्बी आग लगी, तो क्या कारण रहा है, क्या है मामला? 10:45 के लगभग सूचना मिली कि कौशाम्बी रेस्टोरेंट होटल के पीछे आग लगी है मकान में, उसमें स्कूल भी है। तत्काल हमारी दो गाड़ियां जो है वहां पहुंची, मैं भी तत्काल पहुंचा, देखा कि जो मेन गेट ही था और उसी से सीढ़ी ऊपर जाने के लिए बनी हुई थी, तो उसके पास इलेक्ट्रिक पैनल था। इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसी के सटा हुआ स्कूटर खड़ी थी, जिसमें पकड़ लिया, जिससे काफ़ी मात्रा में धुआं और लपट जो है जा रही थी, पूरा बाधित हो गया, निकास मार गई। तो ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे, जहाँ प्ले स्कूल चल रहा था, लगभग 14 बच्चे थे, उन्हें पीछे के रास्ते से, दो तरफ से रोड थी, पीछे का रास्ता खुलवा करके उधर से निकाल लिया गया। और प्रथम तल पर कोई नहीं था, बंद था, और उसके द्वितीय तल पे जो है लगभग 6 लोग थे, महिला पुरुष थे, उनको जो है छत पर ही बता दिया गया, आप घबराएं नहीं, और कोई घबराने की बात नहीं है, आप कोई भी इतना कदम मत उठाइए कूदने आदि का, और आग को बुझा करके फिर जा करके उन लोगों को बताया जा रहा है। इसमें धुएं बहुत ज़्यादा भर गया था, तो उस स्थिति में आप लोगों का सहयोग बताया जा रहा, बहुत अच्छा रहा कंट्रोल करने में। जी, काफ़ी धुआं भर गया था, क्योंकि निकास मार्ग सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर तक फैल गया था सारे फ्लोर में। तो हम लोगों ने BASET ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन करके तत्काल ऊपर जा कर के उन लोगों को सुरक्षित जो छत पे थे किया गया, बच्चों को निकालने के बाद, और इस प्रकार आग बुझा करके वेंटिलेशन खिड़की दरवाजे खोल करके पूरे मकान का धुआं निकाला गया और लोगों को सुरक्षित बचाया गया। किसी बच्चे की किसी प्रकार से कोई हानि नहीं हो? किसी को भी जो है कोई घायल या कोई जनहानि की नहीं है, सबको सुरक्षित जो है बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी उसके बचा लिया गया।